चयन साथियों, मित्रों आज हम देखेंगे एमपीपीएससी में पूछा गया एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सुपोषण। और सुपोषण जो है ये हम आपको पढ़ा चुके हैं बेटा, ये टॉपिक जो है मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि सुपोषण है क्या। लेकिन फिर आप देखो इसको लिखना किस प्रकार से है। सुपोषण क्या होता है? सुपोषण का तात्पर्य होता है कि जब जल में जैविक और अजैविक तत्वों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यानी कि जो जैविक रहेगा और अजैविक तत्व जो होगा उसकी वृद्धि हो जाएगी किसमें, जल में। महत्वपूर्ण इसके कारक क्या होते हैं? महत्वपूर्ण कारक होते हैं कागज की फैक्ट्रियां जिससे लुगदी वगैरह निकलती है, जिससे जैविक पदार्थ जो है वो निकलते हैं, कसाई खाने जो बूचड़ खाने कहलाते हैं, यहां से भी जैविक पदार्थ निकलेंगे। इसके अलावा जो नगरीय वाहित मल होता है यहां से विभिन्न प्रकार के जैविक भी निकलेंगे जिनका आप कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। और इसके साथ ही कुछ अजैविक तत्व भी निकलेंगे। इन सभी को मिलाकर आप देखोगे कि प्रभाव ये होगा कि जल में एल्गी ब्लूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल में एल्गी ब्लूम हो जाएगा, शैवाल की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब ये शैवाल की मात्रा बढ़ती है तो याद रखना बेटा बीओडी लेवल जो होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो जीवों की होती है, जलीय जीवों की, जिसमें जैविक उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं उनके लिए मांग बढ़ जाएगी किसकी, आप देखोगे बीओडी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कारण क्या रहेगा? क्योंकि एल्गी ब्लूम के कारण डीओ जो है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए बीओडी बढ़ेगा और डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी घुलित ऑक्सीजन जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, सुपोषण को कंप्लीट करोगे। थैंक यू।